हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो के साथ NN इलेक्ट्रिकल पे। आज हम देखेंगे टू वे स्विच कनेक्शन कैसे होता है। आज हम देखेंगे टू वे स्विच कनेक्शन डायग्राम पे कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू वे स्विच कनेक्शन पूरा पहले से ड्राइंग कर दिया हूँ, उसको मैं अभी पूरा डिटेल्स में समझाऊँगा। 2 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा टू वे स्विच कनेक्शन कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हर बार मिलते रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, टू वे स्विच कनेक्शन मैं पहले से ही ड्राइंग कर लिया हूँ। तो सिंपल सिंपल है, हम लोग समझेंगे टू वे स्विच कनेक्शन। ये इसमें समझाऊंगा पूरा डिटेल्स। तो देखते हैं टू वे स्विच कनेक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि ये स्विच हो गया और एक सेकंड स्विच हो गया, दो स्विच हो गया। तो दो स्विच में, टू वे स्विच में 3 पॉइंट रहते हैं, 1 2 3। इसमें भी वही 3 स्विच, 3 पॉइंट, 1 2 एंड 3। तो टू वे स्विच में क्या होता है, तो टू वे स्विच में क्या होता है, यहाँ एक बॉल पॉइंट हो गया, ये हो गया अपना लैम्प पॉइंट, एक प्लस एक माइनस। यहाँ से इन हुआ ये अपना, इसका कलर दे देंगे हम लोग रेड कलर और ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, और ये एक पॉइंट के लिए 2 कलर यूज़ करेंगे, जैसे कि आप लोग को समझ में ठीक होगा। तो पहले इन करेंगे लाइन का एल फेज पॉइंट। दो स्विच है, पहला स्विच नीचे में या ऊपर में कहीं से भी देने से चलेगा। तो पहला हम लोग लाइन एल, ये हो गया अपना फेज वायर रेड कलर, इसको हम देंगे स्विच का बीच में, ये हो गया 0.0, ये 1, ये 2, इसका भी वही है, ये 1 2, ये 0, नंबरिंग दे दिए हैं। ये हो गया प्लस एल, ये प्लस, ये हो गया लाइन, ये आ गया अपना डायरेक्ट यहाँ से आते हुए स्विच का बीच में, बीच का पॉइंट मिलेगा। ये स्विच का 3 पॉइंट रहता है, 1 2 3। नॉर्मली स्विच में क्या रहता है, ये जैसे नॉर्मली स्विच है, यहाँ पे 1 और 2 रहता है, इसमें देते हैं लाइन, इसमें देते हैं पॉइंट, पॉइंटर देते हैं, इसमें लाइन देते हैं। तो टू वे स्विच में 3 पॉइंट रहते हैं, 1 2 और 3। तो बीच में देंगे लाइन, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट 1 से इसका पॉइंट 1, इसको हम जॉइंट करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लू, यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे 1 से 1, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1 से 1 हम लोग जॉइंट कर देंगे, तार पॉइंट तार के लिए इसको जॉइंट कर देंगे 1 से 1। उसके बाद नीचे में 2 पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट को हम लोग जॉइंट कर देंगे, ये हो गया 2 पॉइंट। और बचा इसका 1 पॉइंट, इसका कनेक्शन हो गया है। उसके बाद देखेंगे लाइट, लाइट का 2 पॉइंट है, 1 2। उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है, इसको डायरेक्ट हम लोग लाइट में एक ठो जोड़ देंगे, हो गया
माइनस पॉइंट, ये हो गया एन, यहाँ हो गया एन, ये हो गया माइनस पॉइंट, इसको जोड़ देंगे लाइट पे। और एक बचा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, इसको ही डायरेक्ट ले लेंगे। इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, पिंक कलर, इसको हम ले लेंगे। ये कहाँ पे लेंगे, इसका बीच में दो नंबर ऊपर का स्विच या नीचे कहीं पे भी देने से चलेगा। इसका जीरो जो पॉइंट है बीच का, उसमें देंगे। तो यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ लाइन, जैसे कि यहाँ पॉइंट है फेच, इसको ऑन करेंगे तो नीचे हो गया। मान लीजिए नीचे पहले ऑन किए, नीचे हो गया, दो पॉइंट है दोनों तरफ लाइन जाएगा। इधर ऑन करेंगे एक बार लाइन जाएगा, उधर ऑन करेंगे इधर लाइन जाएगा। तो इसको ऑन करेंगे यहाँ आ गया लाइन, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये ऑन रहेगा, ये जल गया, इसको हम ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, तो यहाँ से ये लाइन कॉट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि सीढ़ी उतर के आगे नीचे, यहाँ पे ऑन करेंगे तो ऊपर हो गया, ऊपर कनेक्ट हो गया तो आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर जल जाएगा ये। इसके लिए हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल्स इसमें। जैसे कि हम लोग सीढ़ी का पूरा डायग्राम बताए हैं, इसमें हम देखेंगे। पहले मैंने तो ये 1.1 पॉइंट ज्वाइन किए थे, इसमें मैं क्रॉस ज्वाइन किया हूँ 1 से 2 को और 2 से 1 से 2 को। इसका 1, इसका 2 और इसका 1 और इसका 2 ज्वाइन किया हूँ। ये लाइन आ गया है बीच में, इसका बॉल का लाइन पॉइंट यहाँ दे दिए हैं, इसका न्यूट्रल यहाँ पे। ये सबसे आसान तरीका है ये वाला, नहीं तो पहले वाला जो आपको बताए थे, 2 से 2 को ज्वाइन कर दो तार एक ठो, और एक ठो 1 से 1, और एक बॉल का तार आके अपना स्विच का बीच में लगेगा एक साइड, और एक साइड फेच और न्यूट्रल को डायरेक्ट बॉल में। ये हो गया 2 स्विच कनेक्शन। इसको आप सीढ़ी में यूज कर लीजिए, बेडरूम का बेड स्विच जैसे कि दोनों तरफ से ऑन ऑन ऑफ होता है उसमें यूज करिए, कहीं पे भी ये मेथड यूज कीजिए, आपको पूरा आसान से हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए अशेष अशेष धन्यवाद। तो हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो पे बने रहें।